अस्सलाम वालेकुम। कल हमने एक वीडियो बनाई थी जिस पे हमने अपना ब्रीडर 92FS को क्लीन किया था। वीडियो बनाने के बाद लाजमी से मैंने बताया था कि मेरी पहली वीडियो थी, तो मैंने बनाई, अपने व्हाट्सएप स्टेटस में लगाई, दोस्तों को सेंड की, उनसे रिक्वेस्ट की कि वो देखें और उसको मज़ीद फॉरवर्ड करें, आगे करें। तो ऐसे ही एक दोस्त ने इस वीडियो को फॉरवर्ड किया, तो फॉरवर्ड करने के बाद उसने अपने जिस दोस्त को फॉरवर्ड किया था तो उसका उसने जो है अपने दोस्त को कहा कि यार अगर ये तुम्हारे दोस्त हैं तो इनको बोलो कि बैरल तक तो हम कर लेते हैं लेकिन बैरल खोल के दिखाएं कि बैरल खोलने में प्रॉब्लम होती है, खोल के दोबारा फिट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो चले फिर आज हम बैरल पे काम करते हैं। मतलब करना क्या है, हम बैरल खोल के दिखाते हैं कि बैरल खोलना किस तरह है और खोलने के बाद उसको बंद किस तरह करना है। आइए। अच्छा देखिए, हमारा जो ये पिस्टल है ना, ये है बरीटा 92FS, ठीक है, 9mm का पिस्टल है। अच्छा 9mm के जो पिस्टल होते हैं ना, उनकी बैरल की जो फिटिंग है वो तकरीबन जो है वो सेम ही होती है, जैसे शुगर हो गया, और इसके अलावा नहीं, शुगर की शायद थोड़ी सी छा या थोड़ी सी चेंज है, लेकिन इसके अलावा टॉरस हो गया और जिगाना हो गया, इनकी बैरल सेटिंग बिल्कुल इस तरह की होती है। चलें इसको बैरल आपको खोल के दिखाते हैं। और जैसा कल आपको बताया था कि सबसे पहले हमने मैगजीन, ये ख़तरनाक चीज़ हमने उठा के जो है साइड पर रखनी है सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद हमने इसको चेक कर लेना है कि अल्लाह ना करे गलती से भी कोई इसके अंदर चीज़ रह ना गई हो, कोई राउंड रह ना गया हो, ठीक है। अब ऑयल अभी तक इसका आ रहा है, देखें, जैसे कल मैंने आपको साफ़ करके दिखाया था, अभी तक ऑयलिंग जो है इसकी वो कहीं ना कहीं से दिख ही रही है हमें। अच्छा भाई, ये हमने यहाँ से प्रेस किया, इसको खोलना तो खैर बहुत इजी है, लोग खोल लेते हैं, ठीक है, ये खोल लिया। और अच्छा ये है इसका बैरल, ये बैरल खोलना है, बैरल खोलना कोई बड़ी बात नहीं है भाई, ये दिखता थोड़ा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। देखें इसको आराम से आपने स्प्रिंग को उठाया, मतलब सिर्फ एक टच की ज़रूरत है, टच करेंगे और ये अलग हो जाएगा, ये अलग कर लिया। और उसके अंदर बस एक ये एक बैरल का हिस्सा है, इसको आपने पकड़ना है और ऊपर करना है और ये बैरल ऐसे हाथ में आ गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ठीक है जी। ये आपका बैरल है, इसको खोल के जैसे आपने साफ़ करना है आप इसको साफ़ कर लें। साफ़ था हमारा वाला, लेकिन कल जो ऑयलिंग की है तो वो ऑयल थोड़ा अंदर आ गया था। ऑयल हम इस पर रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं गंदगी अगर दिख रही है तो उसको हम उसको साफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई इसे मुश्किल काम नहीं है, ये इजीली बैरल खुल गया भाई, ये रहा बैरल, ठीक है। इसके अंदर सफाई करनी है तो वो कर लें, कोई ख़ास गंदगी तक नज़र मुझे नहीं आ रही, क्योंकि हमने साफ़ करके ही रखा हुआ है इसको, सही है। ऑयल जो है वो कहीं कहीं नज़र आ रहा है, अच्छी बात है, ऑयल लेना चाहिए, ठीक है। और ऐसे ही जैसे हमने इसको खोला है ऐसे ही हम इसको पैक करेंगे, यहाँ से हमने इसको डाला यहाँ पे, ठीक है, और इसको रख दिया। ठीक है जी, बैरल अपनी जगह पर वापस आ गया है, अच्छा। ये इसका एक पुर्जा है, ये भी अलग हो जाता है, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है, और इस पर जो है ना ज़्यादा जान लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखें इसका ये बाहर आ जाए तो ये अटक जाता है, इसको आराम से हम इधर रखना है, ठीक है। ज़्यादा जान लगाएंगे, जान लगाए काम नहीं होगा, टेक्निक से काम होगा। ये आपने इसको पकड़ा, ये इसके अंदर ऐसे आएगा, पहले इस तरफ से डालना है, ठीक है, और उसके बाद आराम से ये अंदर बैठ जाएगा, इस पर जान लगाएंगे, जान लगाने से काम नहीं होगा, टेक्निक से बैठेगा। ये इसको बिठाया, इसको बिठाने के बाद आपने अपना नाल अपना बैरल वापस अपनी जगह पर रखा और जी ये बैठ गया, यहाँ देखा आपने जी प्रॉपर बैठ गया है। प्रॉपर बैठने के बाद ये इसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग में थोड़ी सी जो है वो हुज्जत होती है, जान लगानी पड़ती है और थोड़ा मुश्किल होता है इसको बिठाना, थोड़ा ताकत से काम करना पड़ता है इधर, लेकिन बात वही है कि जान लगाने से ज़्यादा टेक्निक से काम होता है, ज़्यादा टेक्निक इस्तेमाल करेंगे उतनी कम जान लगानी पड़ेगी। सुकून से बैरल आपका इससे बैठ गया, यहाँ बिठाने के बाद ये आराम से हमने इसको चढ़वा देना और ये जी हमारा पिस्टल वापस पैक हो गया। आसान था, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक दो दफ़ा करेंगे प्रैक्टिस हो जाएगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि बरीटा का, जिगाना का जो है ऑलमोस्ट जो है वो सेम ही बैरल फिटिंग होती है। स्ट्रगल मैंने ट्राई नहीं किया, मुझे आइडिया नहीं है, शायद स्ट्रगल की भी सेम ही तरीके से फिटिंग होती है। तो बस ये था, ये बताना था, बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने रिस्पॉन्स दिया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक भाई ने जो है वो इस तरह जो है वो अपना मैसेज मुझ तक भेजा,
तो और भी किसी को अगर कोई काम है पूछना है तो मुझे मैसेज अपना भेज सकते हैं या चाहें तो वीडियो पे ही कमेंट कर दें। जैसे एक भाई ने कमेंट किया हुआ है कि उनको बैल के अंदर रस्ट के अगर लग जाए तो वो जंग किस तरह साफ करना है, तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल काम नहीं है। वो भी अपने डीजल के थ्रू वो करना होता है और एक कॉपर का जो है वो ब्रश आता है, वो अभी मेरे पास मौजूद नहीं है, इंशाल्लाह वो मैं ले आऊँगा तो फिर मैं उसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है जी, और मैं कल बोलना भूल गया था भाई, वीडियो को जो है वो लाइक कर दिया करें और यार सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइब भी कर दिया करें, सपोर्ट की ज़रूरत है, नया नया काम शुरू किया है। ठीक है जी, और भी काम हो तो बताइएगा, मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।